अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय। ये चुटोरी चिरोटी 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 पानी से प्यास लगी थी। अरे इतनी शांति क्यों है? इतनी तैयारियां चल रही हैं, थोड़ा म्यूजिक म्यूजिक लगाओ गाइस, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ तो लगा देना एक गाना। आप बस ऐसे ही खुश रहा कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अमू जरा पानी देते हैं ना। हाँ लाइए। वैसे थाली पीठ का आटा मस्त लगा है। हाँ भवानी, ये वही इंसान कर सकता है जब खुद थाली पीठ जैसा हो। अरे कब से प्यास लगी थी, बुझ गई। मैंने थैंक यू। वेलकम। इस विराट को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अम्मू तू मेरे साथ जरा अंदर चल, मुझे वहां काम है। चल। पर अम्मू की यहाँ पे जरूरत है ना, मैं आती हूँ तेरे साथ किचन में मदद करने। नहीं जहान, ये काम अम्मू ही कर सकती है, इसे ही आने दो। ऐसा करते हैं, किचन से सारा सामान यही ले आते, यहाँ काम खत्म कर लेंगे, है ना? अच्छा ठीक है, लेकिन उसके पहले एक मिनट भवानी, ये जरा टेस्ट कर ले, इसमें मसाला मिर्ची सब ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, जो खाना बनाते हैं ना वो ऐसे चखते नहीं, स्वाद बिगड़ जाता है। अरे तो क्या हो गया, मैं टेस्ट कर लेता हूँ। अरे क्या हो गया? अरे पानी दे। अरे लाइट पानी लग, किसने बोला था चखने के लिए? ये लीजिए पानी पानी पानी। अरे तीखा हो गया क्या? नहीं आए, इन्हें तीखा जमता नहीं। ओह और तुमने बचा लिया, वरना तुम्हारा ये क्या है ये? थाली पीठ। ये थाली पीठ तो थाली पीठ वाली, ये तो मेरी जान लेने पे तुली है। एक मिनट आए। हेलो। हाँ अरे कब आ रहे हो तुम? आ जाओ।
तुलसी पूजा मिल के साथ में मनाएंगे। हाँ देर मत करना, आ जाना जल्दी। ओके बाय। अब देखते हैं कितने दिन टिकता है तुम दोनों का ये नाम का रिश्ता। अमो तू रहने दे, तू यहीं बैठ, मैं मैनेज कर लूंगी। जहान तुम चलो ना मेरे साथ। वही तो कह रही थी मैं। चलो चलो चल भाई, मैं आती हूँ। हाँ। अमो तुम मम्मी की इधर हेल्प कर। हाँ? किसका कॉल था जो मौसी ऐसे खुश हो गई? कौन आ रहा है तुलसी पूजा में? वैसे भवानी आंटी, आपकी बहन बचपन से ऐसी है? अब मैं देखती हूँ। जी हम फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आए हैं। जी बोलिए, क्या हुआ? हमने सुना कि आप यहाँ गीजर ब्लास्ट हुआ था और आज आप बिना परमिशन के दो दो सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं। आपका बिजनेस चल रहा है, ये अलाउड नहीं है। अगर आपकी लापरवाही की वजह से फिर दूसरा कोई ब्लास्ट हुआ तो फिर इस बिल्डिंग के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हम समझते हैं सर, लेकिन बिल्डिंग में बाकी लोग भी तो गैस ऑन कर रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, हम भी वैसे ही खाना बना रहे सर। देखिए मेरा नाम विराट सिंह आहूजा है और कल इस घर में जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, किसी की लापरवाही थी नहीं। हम भी यहीं पे रहते हैं, हम जानबूझ के तो कुछ ऐसा करेंगे नहीं जिससे हमें नुकसान पहुंचे और बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचे, राइट? ये किसी की सोची समझी प्लानिंग थी और किसी ने जान के ये सब किया ताकि हमें नुकसान पहुंचे। तो आप लोगों को उन लोगों को जाके पकड़ना चाहिए, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप लोग, आई डोंट नो। एक काम करता हूँ, मैं आपकी फायर ब्रिगेड वालों से बात करा देता हूँ। जब ब्लास्ट हुआ तो वही लोग आए थे, उन्होंने ही हमें बचाया। ठीक है कराइए। समझ नहीं आ रहा अचानक ये फायर डिपार्टमेंट वाले लोग यहाँ कैसे आ गए? इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ दो सिलेंडर पे काम चल रहा है? हेलो प्रियंका, काम हो गया है, वो लोग अब भी जेके के घर के अंदर हैं। अच्छा हुआ टाइम से ऑफिसर्स को बुला लिया मैंने। इशिका, घटिया औरत, ये सब तूने किया है ना? अब ये लोग नहीं बच सकते। हाँ लेकिन कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। अगर फायर ब्रिगेड वाले बोल देते कि आपकी इस हादसे में कोई लापरवाही नहीं थी तो हम आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे। जी मैं विराट सिंह आहूजा बोल रहा हूँ। आप हमारे घर आए थे ना वो गीजर ब्लास्ट में, वो बीएमसी वाले आपसे बात करना चाहता है। हाँ एक सेकंड। हेलो, ओके थैंक यू, लीजिए हम चलते हैं। थैंक यू। चलिए। बप्पा की कृपा से विराट ने सब संभाल लिया वरना सब बर्बाद हो जाता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।